राजकुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज कोर्ट ने राजकुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के केस में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, तो वहीं उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 में वापसी की उम्मीदें समाप्त हो चुकी है, क्योंकि शो के निर्माताओं ने शिल्पा शेट्टी की जगह नए मेहमान सितारे बुलाने की तैयारी पूरी कर ली है और शिल्पा शेट्टी को ये संदेश भी भेज दिया गया है कि अगली सूचना तक वह खुद को सुपर डांसर चैप्टर 4 से दूर ही रखे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि राजकुंद्रा की बिगड़ी छवि का असर शिल्पा शेट्टी के जरिए शो पर ना पड़े और शो के साथ साथ चैनल की TRP पर बुरा असर ना पड़े, क्योंकि पति के साथ साथ शिल्पा शेट्टी भी तब से ही सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रही है। वैसे भी बीते कुछ दिनों में शिल्पा शेट्टी की ब्रांड वैल्यू तेजी से नीचे गिरी है, यहाँ तक कि सीधे OTT पर रिलीज हुई उनकी फिल्म हंगामा 2 इस साल OTT पर रिलीज हुई फिल्मों में सबसे कम देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है। इस बीच डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 के सेट पर बीती रात जो फेरबदल किया गया उससे पता चला है कि शिल्पा शेट्टी की जगह इस बार अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया शो में नजर आएंगे। मंगलवार को इस शो के अगले एपिसोड की शूटिंग इन्हीं दोनों के साथ होना तय हो चुकी है। बता दें कि अब इस मामले में मुंबई पुलिस अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को भी संदिग्ध मानकर चल रही है। पुलिस के मुताबिक राजकुंद्रा के कारोबार में शिल्पा की भी हिस्सेदारी है और उनके खातों में भी पॉर्न फिल्मों के कारोबार का पैसा उनकी जानकारी में ट्रांसफर किया गया है। पुलिस के अनुसार इस पूरे गोरख धंधे की जानकारी शिल्पा शेट्टी को शुरू से है और उनके खिलाफ जिस तेजी से सबूत सामने आ रहे हैं वह भी शक के घेरे में आ चुकी है।